दिवाली गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी एंड सेफ गाइस। तो आज हमारा आज हम अपना किचन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये मैंने कांच की बर्नीज़ मंगाई थी अमेजोन से, छोटी छोटी बर्नीज़ है ये। और इसके अंदर मैंने ऐड किए शुगर, दोनों में डाली है मैंने शुगर, जैसे कि दिवाली है तो ये एक उपाय भी है और एक ये बैकबोन है पीछे। इसमें दो बर्नी में मैंने डाला है, नमक डालूंगी इसमें मैं, तो ये हमारे सपोर्ट के लिए है। तो ये एक उपाय भी है और एक घर के लिए एक शुभ संकेत होता है। सो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसे करा है और मुझे इसके काफ़ी बेनिफिट लगे, दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। तो ये मेरा कुछ इस तरह का वीडियो है। तो यहाँ मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैंने सेंधा नमक इन दोनों बर्नियों में अलग अलग डाला और इन्हें ऐसे ढक्कन लगा के इन्हें मैंने रख दिया है। सो मैं यूज़ भी कर सकती हूँ इन्हें और एक बैक सपोर्ट के लिए नमक और चीनी को कांच की बर्नीज में रख के आप किचन में रख सकते हैं। इससे आपकी धन की काफ़ी परेशानियाँ भी सॉल्व होती हैं, काफ़ी सूटेबल होता है ये उपाय भी। मैंने आपसे शेयर किया अपना ये तजुर्बा। गाइस, इधर मैंने रख दिया चावल का डिब्बा और इधर हमने लिए चाय सुबह के लिए। और यहाँ मैंने घर अपना डेकोरेट किया है, तो यहाँ राधा कृष्ण जी की ये लिटिल सी प्यारी सी तस्वीर मैंने लगाई है और इधर साहिबा की लगी है फ़ोटो फ्रेम। यहाँ तिरुपति बालाजी है हमारे। मैंने बालाजी के दर्शन कराए आपको। तो इधर मैं आ गई थी गाइस माता रानी के लिए, दिवाली के लिए खीर बनानी है। तो यहाँ मैंने ये कढ़ाई अमेजोन से ऑर्डर की थी, तो नॉनस्टिक है और काफ़ी अच्छी है। और ये इसका करछी है, इसकी ब्लैक स्पून है। इधर मैंने ऐड कर दिया है दूध और चावल करते गाइस। यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी थी शाम के लिए माता रानी के लिए। और इधर मेरा ये मंदिर, न्यू मंदिर मैंने लिया है और हमने ऐसे डेकोरेट किया है। यहाँ धनवंतरी देवी की तस्वीर है, यहाँ मेरे सारे देवी देवता हैं। ये था मेरा प्यारा सा मंदिर जो मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया अपने ये दिवाली का व्लॉग। आजकल मेरे ब्लॉग्स लेट जा रहे हैं क्योंकि समटाइम्स एनी प्रॉब्लम्स। अब हम लोग रेगुलरली ब्लॉग्स डालेंगे। और यहाँ ये डमरू शिवजी जी का रख दिया था मैंने। यह हमारी खीर रेडी हो रही है। हाय गाइस, ये है मेरा किचन एंड ये मेरा मंदिर, प्यारा सा मंदिर है ये मेरा। इधर इसको हमने अच्छे से डेकोरेट कर लिया, सारे भगवान बिठा दिए यहाँ पर। और वो धन्वंतरी माता की तस्वीर है। ये मेरा पूरा घर जो दिवाली के लिए रेडी हो चुका है। और यहाँ दूध में मैंने डाल दी थी खीर, मेरी पक चुकी थी तो मैंने ठंडी होने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको चलाएंगे थोड़ा सा एंड इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हाँ, मैंने बादाम वगैरह से गार्निश कर दिया है इसके। ये हमारी लक्ष्मी जी के लिए खीर रेडी है गाइस, शाम को दीपावली के लिए। और जैसा कि मेरा फास्ट है तो मैंने अपने लिए जीरे वाले आलू बनाऊंगी शायद मैं। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था पूड़ी के लिए क्योंकि हम लोग कुछ लोग ही हैं। और ये ऐसे दिए की प्रिपरेशन की धोके हम लोग पहले दियों को धोते हैं और उसके बाद उनको सुखाते हैं, फिर ये पूजा के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि वैसे दिए में ना तेल सूख जाता है, तो ये धो दिए मैंने, दिए वॉश कर दिए थे पानी में। और इधर मैंने तीन ये आलू
वही टमाटर अदरक का पेस्ट बनाने के लिए रख दिया है। और यहाँ रखा मैंने अपना नॉन स्टिक न्यू वाला पैन एंड थोड़ा सा सम रिफाइंड। सो गाइस इसमें हमने डाली हींग अपनी, और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना क्या डालेंगे, जीरा। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी दिवाली के शुभ उसकी। तो यहाँ मैंने जीरा ऐड कर दिया, हींग ऐड कर दिया है और ये ब्राउन हो चुका है। मेरा दिवाली का फास्ट होता है तो इसलिए मैं सिंपल ही भोजन वेयर करती हूँ। और यहाँ मैंने इसमें डाल देना है लाल मिर्च, ऐड कर देंगे धनिया, टर्मरिक स्लाइटली सी एंड सॉल्ट एंड सम सॉल्ट एंड ये टमाटर और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें छोड़ दिया है। और इसको हम पकने देंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। सो गाइस यहाँ ऑयल ऊपर आ चुका है, हमारा मसाला भून चुका है। सो हम इसमें अपने आलू डाल देंगे मैश करके एंड सम वाटर ऐड कर देंगे। सो इसको स्लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। सो यहाँ मेरे आलू की तहरी रेडी हो रही है एंड उधर मेरी खीर रेडी है। और हम बना लेंगे गर्मा गर्म पूड़ियाँ। यहाँ ये आटे की लोई बना के हमने पूरियाँ उतारी गर्मा गर्म। सो यहाँ पूरी हमारी फूल चुकी है गाइस, ब्राउन हो चुकी है तो इसको हम उतार लेंगे। और यहाँ हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। और इधर हम आए थे सुबह मार्केट, तो यहाँ हमारी मार्केट का लक्ष्मी गणेश मार्केट में लगे थे। मैंने लक्ष्मी गणेश जी यहाँ से वेयर किए। बाज़ारों की रौनक है, देखिए कितना अच्छा लगता है जब त्यौहार आते हैं। और यहाँ पर लाइन से लक्ष्मी गणेश जी। और फिर घर आके मैंने दिवाली शाम को ये वाली साड़ी वेयर की है पूजा के लिए। ये मेरी गढ़चोली की साड़ी है गाइस, दिवाली के लिए मैंने न्यू ली है ये प्रपस पे। सो इधर हम दिवाली की पूजा करेंगे। सो गाइस अब मैं अपना टचअप कर रही हूँ। और यहाँ शाम की मंदिर की पहले मंदिर की भी पूजा करी अपने, जैसे कि पहले पूजा अपने मंदिर की जाती है फिर दिवाली की पूजा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ मैंने दिवाली के दिए लगा दिए हैं बाहर। लियो साहिबा यहाँ नहीं है, मम्मी के घर पे है, बड़े वाले घर पर। तो इस घर की भी पूजा करनी ज़रूरी थी, यहाँ मैं ही हूँ तो यहाँ मैं अकेले अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ ये मैंने पूजा में कौड़ी रखी है, ये जो मैंने सामान रखा है सारा, हल्दी की काट, ये दिए मैंने सारा सजा रखा है। और शुभ मुहूर्त में मैं लक्ष्मी गणेश जी को बिठाऊँगी, तो अभी मैंने लक्ष्मी गणेश जी यहाँ नहीं बिठाए हैं। मेरे चांदी वाले लक्ष्मी गणेश जी भी मैं यहाँ बैठाऊँगी, और मैं अपने जो मिट्टी वाले नए गणेश जी लक्ष्मी जी लाई हूँ वो भी मैं यहाँ बैठाऊँगी। तो ये सब सामग्री मेरी रेडी है पूजा करने के लिए, और ये पूजा मेरी बहुत अच्छी पूजा रहेगी क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ सिंह लगन में।
तो उस यहाँ मेरे लक्ष्मी गणेश जी 12 बजे मैंने बिठा दिए हैं, रात को रात्रि 12 बजे मैंने यहाँ लक्ष्मी गणेश जी बिठाए हैं, क्योंकि इस सिंह लगन में मैंने जो पूजा करी है ये विशेष पूजा थी। ये है दिवाली की गाइस मेरी पूजा। सो गाइस यहाँ बच्चे दिवाली बना रहे हैं मम्मी वाले घर पर, तो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पे ये लोग फुलझड़ी इंजॉय कर रही है। साहिबा ने वेयर किया ग्रीन लहंगा और यहाँ भाई खड़ा है मेरा और ये लियो भाई साहब। सो ऐसे इंजॉय करी हमने दिवाली बच्चों ने। और इधर भाई अपने घर में, भाई के घर में पूजा हो रही है, मम्मी वाले बड़े घर में। सो नए घर में पूजा चल रही है, यहाँ का मुहूर्त था 9 बजे का, तो यहाँ भाई और बच्चे पूजा कर रहे हैं। यहाँ लियो देख रहा है गाइस, ये भी कुर्ते पजामे में बैठे हैं ब्लू कलर के। सो ये थी हमारी बड़े घर की नए घर की वीडियो। गाइज ये मैंने बना ली थी रंगोली और ये हमारी रंगोली ऐसे, और यहाँ दिए लगा दिए थे। सो ये था मेरा वीडियो। यहाँ आ गए बच्चे। यहाँ भाई ले आए थे पटाखे। सो बच्चे यहाँ पटाखे इंजॉय कर रहे हैं, अनार जला रहे हैं ये, और ये हंटर है एंड फुलझड़ी साहिबा वेट कर रही है। सो ऐसे रहा दिवाली का दिन। सो यहाँ भाई ने अनार पे लगाया, चिंगारी लगाई अनार पे। सो यहाँ पे अनार में हम लगा दिए भाई ने, और ये अनार अब वो उठ रहा है ऊपर, ये धीरे 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 धीरे। वाह देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। सो अनार हो गया ठंडा, अब चलते हैं इधर लियो की तरफ और साहिबा की तरफ। तो साहिबा यहाँ पे फुलझड़ी चला रही है और यहाँ लियो भाई सब आ गए हैं फुलझड़ी चलाने के लिए। यहाँ पे लियो अनार जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस कोशिश में शायद विफल हो गए। और यहाँ भाई जला रहा है अनार, ये 1, 2 एंड 3 ये लियो ने जलाया अपना हंटर, वो अनार जलाने की कोशिश में है। ओ जला दिया ये।
ये जला दिया, हैप्पी दिवाली, वंडरफुल। लियो ने यहाँ पे जला दिया अनार, और ये देखिए कितनी तेज अनार की ले आई है, वाओ। और यहाँ पे भाई चला रहा है। सो गाइस, हमारा ब्लॉग आज यहीं खत्म होता है, तो एंजॉय, हैप्पी दिवाली।